Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट प्रिंसिपल एज पर आर वीडियोस, दैट इज नॉट एज पर योर टेक्स्ट बुक बट इट इज एज पर आर वीडियो. बाकी 13 प्रिंसिपल डिस्कस हो गए. दिस प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या है हम देखने वाले आज के स्लाइड में. इट इज द लास्ट वीडियो फॉर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. यस माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन? सारी अथॉरिटी आप ही के हाथ में रखना, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी. व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी? उसका मतलब क्या है? अथॉरिटी को बांट लेना, समझ रहे? आगे आगे लेयर्स में आपके अथॉरिटी को बांटते जाना, किसी और को आपका अथॉरिटी शेयर करना, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज. आपके हाथ में नहीं रखना, सारी अथॉरिटी को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना, दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. यस, सो सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एट द टॉप, समझ रहे? अगर समझो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि सबको डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रख रहा है, किसी सबॉर्डिनेट को इसमें पार्टी नहीं दे रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी. सारी की सारी अथॉरिटी उन्हीं के हाथ में होंगी, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? अथॉरिटी को आगे के लेयर्स में बांटना, समझ रहे? आगे के लेयर्स में सबॉर्डिनेट्स में अपना अथॉरिटी बांटना. यस, तो सेंट्रलाइजेशन से क्या हो रहा है पता है? सारी की सारी चीज आप ही के हाथ में रख रहे हो. यस, सो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या हो रहा है पता है? आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉय का रोल बढ़ा रहे हो. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या? अथॉरिटी को बांटना, मतलब एम्प्लॉय को आप और एक एज दे रहे हो आगे, एम्प्लॉय को और एक थोड़ा चांस दे रहे हो कि आप आपका अथॉरिटी बढ़ा दिया है, आपके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो. अथॉरिटी बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा, समझ रहा है? इट इंक्रीजेस द वर्कलोड ऑफ, इंक्रीजेस द अथॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉय इन डिसेंट्रलाइजेशन. And in centralization, workload or authority of the employees decreases. देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है. कहाँ पे क्या करना चाहिए ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अपना इंडिया ही देखो, इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. कुछ कुछ पावर सेंटर में ही है और कुछ कुछ पावर बांटे हुए हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू थिंक विच पावर्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, that should be centralized and which power to be decentralized. तो manager जब भी काम कर रहा है तभी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या चीजें खुद ही के हाथ में रखनी है और क्या क्या चीजें बांटनी है. क्योंकि अगर बांटने की चीजें सिर्फ खुद ही के हाथ में concentrated रखी, centralized रखी, तो भी problem है. और जो नहीं बांटने की चीजें थी, जो चीजें centralized होनी चाहिए थी वो decentralized कर दी, तो भी problem है. In short दोनों ही चीजों में problem है. इसके लिए जो चीजें बांटनी चाहिए that should be decentralized. जो जो पावर बांटने चाहिए those power should be decentralized. And जो जो पावर खुद ही के पास रखने चाहिए those power should be centralized. That is the principle of centralization and decentralization. देखो it varies between the manager and manager. एक manager को लग रहा है ये power centralized होने चाहिए, वही दूसरे management को लगे कि decentralized होने चाहिए. तो that is the subjective thing. But yes, अगर ये दोनों के बीच में आपने balance रखा तो चीजें बहुत ही अच्छी होगी. अगर नहीं रखा तो इट इज नॉट फीजिबल फॉर द मैनेजमेंट टू अचीव देयर गोल. यस, दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एंड यस, दिस इज द एंड ऑफ योर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑल 14 प्रिंसिपल्स वर डिस्कस्ड इन डिटेल. आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ इस पे एक ही क्वेश्चन है, बट हमने इस पे 16 वीडियो आपको बना के प्रेजेंट किए हुए हैं. यस, क्योंकि हर एक प्रिंसिपल माइन्यूट डिटेल में किया गया है. बिकॉज दिस क्वेश्चन इज श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन पक्का ही आता है. इसके लिए इसको और अच्छे से प्रिपेयर करना, सारे वीडियो को एकदम प्रॉपरली देखना. यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर स्टूडेंट्स. प्लीज सब्सक्राइब इकेडा चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट. थैंक यू.